आज लेकर आया हूँ आपके लिए बंगाली फेमस स्नैक जिसका नाम है घुगनी, जो कि है मटर की चाट। तो वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूँ आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की रेसिपी घुगनी। घुगनी बनाने के लिए आपको एक काम करके रखना है, जो सफ़ेद वाले मटर होते हैं उन्हें आपको पूरी रात के लिए पानी में भिगो के रखना है, तो ये मटर जो है वो हल्के से फूल जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो गर्म पानी के अंदर इसे आप 5 घंटे के लिए तो कम से कम आपको इसे भिगो के रखना ही पड़ेगा। और अब इसे करेंगे प्रेशर कुक, गैस जला लेते हैं। तो सबसे पहले कुकर के अंदर भीगे हुए मटर, उसके अंदर जाएगा पानी ताकि मटर अच्छे से डूब जाएं, और तकरीबन 1 इंच जो है वो पानी जो है लेवल उसके ऊपर होना चाहिए। इसी में ऐड कर दूंगा मैं प्याज स्लाइस की हुई, थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक कम ही ऐड करेंगे क्योंकि बाद में जब इसका तड़का लगाएंगे तो उसके अंदर भी हम नमक स्टेजेस में ऐड करेंगे, ज़रा सी हल्दी। सारी चीज़ों को मिक्स करके प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। अब इसे कुक करना है हमें हाई फ्लेम के ऊपर, 1 से 2 सीटी आएगी, उसके बाद हम गैस कर देंगे बंद और अपने आप इसका प्रेशर जो है वो ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा आप ओवर कुक मत करना क्योंकि भीगे हुए मटर है बहुत जल्दी गल जाते हैं। अगर आप प्रेशर कुक ना करना चाहो तो आप इसे खुली पतीली के अंदर भी पका सकते हो। उसके अंदर क्या है आप खुद टेस्ट कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो कि मटर जो है वो गले या नहीं गले। टोटल मिला के 10 से 15 मिनट लग जाते हैं अगर आप इसको खुले बर्तन में पकाओगे तो। मटर अच्छे से गल चुके हैं और प्रेशर ठंडा हो गया था कुकर का, तो अब इन्हें हम लेते हैं छान। और जो नीचे पानी है ना उसको आपको फेंकना नहीं है क्योंकि वही पानी को हम यूज़ करेंगे इसका तड़का लगाने के बाद कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने। अब लगाएंगे घुगनी के लिए तड़का। कोलकाता का ये फेवरेट स्नैक है और कोलकाता का खाना बिना सरसों के तेल के तो अधूरा है। तो सबसे पहले सरसों का तेल गया। सरसों का तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले हम फ्राई करेंगे ये है ताज़ा नारियल, और हल्का सुनहरा रंग आने तक इनको हम तल लेंगे। बस हल्का हल्का इनका रंग चेंज होगा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, और इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी तेल के अंदर हम तलेंगे आलू, जिसे छील के इस तरीके से छोटा छोटा काट के रखा है। 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे। आलू जब हल्का हल्का गोल्डन हो जाए तब उसे भी हम निकाल लेंगे अलग। सेम तेल के अंदर मैं डालूंगा जीरा और तेज पत्ता, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा। लहसुन को बस 30 सेकंड के लिए हम सौते करेंगे तेल के अंदर ताकि उसे कच्चेपन की जो स्मेल है ना वो दूर हो जाए। फिर इसके अंदर जाएंगे खूब सारे प्याज स्लाइस किए हुए, 1 चुटकी नमक। प्याज जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाए 1 से 1.5 मिनट के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगा लाल वाली सूखी मिर्चें 1 से 2, अदरक पिसा हुआ और साथ ही में चॉप की हुई हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और बस 30 सेकंड के लिए कुक करेंगे। इसके अंदर जाएंगे चॉप किए हुए टमाटर, हल्दी ज़रा सी, लाल मिर्च, जितना आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला। अच्छा मसाला जले ना ना, इसलिए जो मटर जिसमें उबाले थे वो पानी थोड़ा सा। तड़के को अच्छे से पकाएंगे तब तक जब तक तड़का तेल ना छोड़ दे, और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे ये तले हुए आलू, क्योंकि आलू जो है वो आधे कच्चे हैं, पूरे नहीं पके हैं, क्योंकि बाकी की इनकी कुकिंग अब होगी। और साथ ही में
ये जो तल के रखे थे नारियल, ये अब सब चीजों को एक बार मिक्स कर देते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर ये मटर जिसके अंदर मैंने बॉईल किए थे वो पानी जाएगा। अब इसे ढक के 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाए। 5 मिनट पकाने के बाद आप देखोगे थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा और आलू परफेक्टली गल चुके हैं। अच्छा जी, ये जो घुगनी होती है ना, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पतला भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। एक लिपटी हुई इसकी ग्रेवी होती है, कंसिस्टेंसी होती है। और ये गया इसके अंदर ये मटर, थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स करेंगे। और एंड में इसका नमक हम एडजस्ट करेंगे स्वाद अनुसार, मिक्स करेंगे। और आप खुद देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से घुटे घुटे लग रहे हैं, गले हुए लग रहे हैं, और बिल्कुल भी रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी कि पानीदार ये नहीं है। गर्मा गर्म इसको हम सर्व करते हैं, और किस तरीके से इसे परोसा जाता है, खाया जाता है, वो अब आप देखो। ये हैं डोने, इनके अंदर डाले मैंने सबसे पहले घुगनी, कटे हुए प्याज बारीक कटे हुए, यहाँ पे थोड़ा सा ये नारियल, आलू की भुजिया, नींबू का रस, कटा हुआ हरा धनिया। तो जी, ये कोलकाता का फेमस स्नैक घुगनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी घर पे ट्राई करो और मुझे बताओ आपको ये चटपटी मज़ेदार घुगनी की रेसिपी कैसी लगी। और भी इसी तरीके की चटाकेदार रेसिपीज लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए, ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।